अनुपमा और अनुज ने किया मेघा को माफ। आद्या को हुई अनुपमा की टेंशन। जी हाँ, स्टार प्लस का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलने वाला है, जहाँ अनुपमा मौत को छूकर वापस आ जाती है, रिकवर होके अपने घर पहुंचती है, जहाँ पर वो और अनुज जाते हैं मेघा से मिलने के लिए। मेघा मिलती है और मेघा अपनी झोली फैलाए अनुपमा से कहती है कि मेरी बेटी प्रिया को प्लीज मुझे दे दीजिए, प्लीज वो मेरी बेटी को मुझे वापस दे दीजिए। जहाँ पर अनुज और अनुपमा नहीं देना चाहते हैं और उसे कहते हैं, नजर आते हैं कि वो आपकी बेटी प्रिया नहीं, वो मेरी बेटी आद्या है, प्लीज उसे मुझसे मत मांगिए, मैं अपनी बेटी को आपको कैसे दे दूँ। जहाँ पर मेघा अपनी झोली फैलाए रोने लगती है, जहाँ पर अनुपमा का गुस्सा भी देखने मिलता है, अनुपमा चिल्लाती हुई नजर आती है कि वो आपकी बेटी प्रिया नहीं है, वो हमारी बेटी आद्या है। वहीं दूसरी तरफ आद्या को भी अनुपमा की बहुत टेंशन हो रही होती है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने कहा है क्योंकि उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पर आद्या काफी बेचैन नजर आ रही होती है। वहीं अनुपमा भी वहाँ चीखते चिल्लाते दिखती है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं तो वनराज के गायब हो जाने के बाद घर वालों को हो रही है काफी ज्यादा प्रॉब्लम। सभी उनके घर पैसे मांगने पहुंच गए हैं, जहां पर घर की चीजें तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं घर वाले भी सभी हाथ जोड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है वनराज। कल देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आने वाले एपिसोड में क्या क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।